Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you how to make questions from where. Where एक interrogative word है और इससे किस तरह से question बनाने हैं आपको, ये मैं आपको explain कर रहा हूँ. इसका हिंदी में meaning होता है कहाँ. मैं present, past और future तीनों में ही आपको explain कर रहा हूँ. यदि आपके पास मेरी book है Destination Target English तो आप इस chapter को page number 221 पर देख सकते हैं. मैं वहीं से आपको explain कर रहा हूँ. आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 221 पर मैंने इस चैप्टर को दिया है और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया है. इसमें मैंने कॉमा लगाकर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने तीनों से यहाँ पर बनाया है. प्रेजेंट में डू क्वेश्चन बनाता है, पास्ट में डिड बनाता है और फ्यूचर में विल क्वेश्चन बनाता है. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर. इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो हमेशा जो वाक्य बनाते समय या क्वेश्चन बनाते समय सबसे आगे की तरफ आते हैं. सबसे पहले आएगा वेयर, फिर आएगा डू, फिर सब्जेक्ट लेना है आपको. यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिया है यू. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा. तीनों में ही आपको याद रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तीनों में ही क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आपको ये तीन वर्ड सब में लेना है, वेयर, डू, यू. उसके बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हो गया वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो. Where do you study? तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ खेलते हो. Where do you learn English? आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो. Where do you pray to God? आप भगवान की प्रार्थना कहाँ करते हो. Where do you go to coaching? आप कोचिंग कहाँ जाते हो. खाना कहाँ खाते हो, चाय कहाँ पीते हो, न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ते हो. Where do you meet your friends? तुम अपने दोस्तों से कहाँ मिलते हो. Where do you talk to your friends? तुम तुम्हारे दोस्तों से कहाँ बात करते हो. तुम मूवीज़ कहाँ देखते हो, घर पर या सिनेमा हॉल में. वेयर डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ करते हो. वेयर डू यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कहाँ करते हो. इसमें डू दो बार आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो. पहला जो है हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो है वो वर्ब का रूप है. इसका मतलब होता है ते हो और जो सेकेंड वाला है इसका मीनिंग होगा करना. Where do you go in the morning? तुम सुबह कहाँ जाते हो. Where do you go in the afternoon? तुम दोपहर को कहाँ जाते हो. Where do you go in the evening? तुम शाम को कहाँ जाते हो. Where do you go after coaching? तुम कोचिंग के बाद कहाँ जाते हो. स्कूल के बाद कहाँ जाते हो. After का मतलब हो गया है के बाद. Where do you go on Sunday? तुम संडे को कहाँ जाते हो. पिकनिक पर कहाँ जाते हो. वेयर डू यू पास योर फ्री टाइम, तुम तुम्हारा फ्री टाइम कैसे पास करते हो या बिताते हो. तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो. जॉब पर कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो फॉर डांस क्लास, आप डांस क्लास के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो फॉर एंजॉयिंग, तुम मज़ा करने के लिए कहाँ जाते हो. कंप्यूटर क्लास कहाँ जाते हो. मॉर्निंग वॉक पे कहाँ जाते हो. Where do you take breakfast? नाश्ता कहाँ करते हो. लंच कहाँ करते हो. डिनर कहाँ करते हो. चाय कहाँ पीते हो. चाय पीने के लिए टेक टी भी यूज़ कर सकते हैं आप और ड्रिंक टी भी यूज़ कर सकते हैं. Where do you listen songs? तुम गाने कहाँ सुनते हो. गाना कहाँ गाते हो. डांस कहाँ करते हो. फेस्टिवल कहाँ मनाते हो. अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो. Where do you celebrate your birthday? Where do you spend free time? रिपीट हो गया है. अपना फ्री समय कहाँ बिताते हो. स्पेंड या पास दोनों यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा है पास योर फ्री टाइम, यहाँ पर लिखा है स्पेंड. Where do you watch TV? तुम टीवी कहाँ देखते हो. Where do you sit in class? Your class, क्लास में कहाँ बैठते हो तुम. Where do you read books? किताबें कहाँ पढ़ते हो. लाइब्रेरी में, घर पर. Where do you spend time with your फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ समय कहाँ बिताते हो. कहाँ का आवाज आएगा हर वाक्य में और लास्ट में आप देख सकते हैं ते हो का आवाज आ रहा है तो ज़रूर आप याद रखें. खाना कहाँ बनाते हो. वेयर डू यू कीप योर ड्रेसेस, अपने ड्रेसेस कहाँ रखते हो. किताबें कहाँ रखते हो. शूज़ कहाँ रखते हो. पेन कहाँ रखते हो. एसेसरीज मतलब जो दूसरे सामान है वो कहाँ रखते हो. इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ रखते हो. वेयर डू यू थ्रो गार्बेज,
तुम कचरा कहाँ फेंकते हो। इस तरह से आप और भी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर कर आसानी से बना सकते हैं। यदि आपने इतने सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं तो इसके बाद फिर आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से वाक्य बनाना होता है। आपको सबसे पहले वेयर का यूज़ करना है, फिर डू का यूज़ करना है और फिर यू का। ये बात हुई है प्रेजेंट टेंस की। लेकिन यदि आप पास्ट टेंस में जो है बनाना चाहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्वेश्चन जो बनाना होगा वो डिड से बनाना होगा। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। वेयर डिड यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते थे या तुमने कहाँ पढ़ा था। वेयर डिड यू प्ले, तुमने कहाँ खेला था। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी थी। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस इसे कहते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है डिड बनाता है हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। हिंदी में जो है था थे थी का आपको आवाज आएगा। वेयर डिड यू प्रे टू गॉड, तुमने भगवान की प्रार्थना कहाँ की थी। वेयर डिड यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तुम सुबह घूमने के लिए कहाँ गए थे। वेयर डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता कहाँ किया था। वेयर डिड यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुमने अपना फ्री समय कहाँ बिताया था। बहुत आसान है। यदि आपको डू से समझ में आ गया है तो फिर पास्ट टेंस में आपको डिड लगाकर क्वेश्चन बनाना है, और हिंदी में था थी थी का आवाज आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विल। यदि आप फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो विल बनाएगा। वेयर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे, कहाँ पढ़ोगे, तुम कहाँ खेलोगे, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखोगे। इसमें जो होता है गा गे गी का आवाज आएगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखिए। वेयर विल यू डांस, तुम कहाँ पर नाचोगे। वेयर विल यू गो इन द आफ्टरनून, तुम दोपहर को कहाँ जाओगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपको तीन शब्द याद रखना है। ते हो के लिए डू क्वेश्चन बनाता है, था के लिए डिड, और गा गे गी के लिए अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो फिर वेल से बनाना है। सभी में वेयर आगे आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और तीनों के साथ में ही आपको जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। यदि आप इसके आंसर्स देना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म में आता है, डिड का जवाब में सेकंड फॉर्म हो जाएगा, विल के जवाब में विल आपको देना है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन महू। लिव क्वेश्चन में भी आएगा, आंसर में भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। वेयर डिड यू स्टडी, तो यहाँ हो जाएगा स्टडी का स्टडीड, प्ले का हो जाएगा प्लेड, लर्न का हो जाएगा लर्नट, प्रे का हो जाएगा प्रेड। जो जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है, ये क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म है, वो आंसर देते समय सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट डिड है, आप इसे ज़रूर याद रखें। विल बहुत आसान है, क्वेश्चन में भी विल आएगा, आंसर में भी विल आएगा। वेयर विल यू प्ले, आई विल प्ले इन द ग्राउंड। वेयर विल यू स्टडी, आई विल स्टडी इन स्कूल। वेयर विल यू प्रे टू गॉड, आई विल प्रे टू गॉड इन टेम्पल। डू का जवाब फर्स्ट फॉर्म में, डिड का सेकंड फॉर्म में, और विल के जवाब में विल आएगा। इनके आंसर्स मैंने ऊपर दिए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में मैंने उच्चारण भी दिया है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ डू, डिड और विल मैंने सभी से जो है क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, डिड ही स्टार्ट एनी मूवमेंट फॉर ए फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो यहाँ देख सकते हैं आप डिड से क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में जवाब हो गया है। इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, साथ में हिंदी भी दिए, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा इन्हें समझने में। पेज नंबर 167 से आप देख सकते हैं, पेज नंबर 220 तक मैंने इन्हें दिया है। तो काफ़ी एग्जांपल दिए हैं और प्रैक्टिकल मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, तो इससे आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन में दो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन होता है और उसके दो जवाब होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तीनों में ही जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है वो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के यहाँ पर प्रैक्टिस करा दी है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड क्वेश्चन बनाएगा, फ्यूचर में विल, सभी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू के जवाब में फर्स्ट फॉर्म, डिड में सेकेंड फॉर्म, विल के जवाब में विल। नेगेटिव देना है तो डू का डू नॉट हो जाएगा, डिड का डिड नॉट हो जाएगा, विल का विल नॉट हो जाएगा। तीनों में ही नेगेटिव के अंदर भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आई डू नॉट स्टडी,
आई डिड नॉट स्टडी, आई विल नॉट स्टडी, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। और आंसर बहुत आसान है, सब में आपको जगह बतानी है कि आप वो काम को कहाँ करते हो। कहते हैं डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप इस अमेज़न से ले सकते हैं या इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। मैंने आपको अभी लाइव बताया जो जो मेरी बुक में है, इसके आप चाहते हैं देखना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश बुक नाम से एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप स्टार्टिंग फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने सभी पेजेस को उसमें दिखाया है, तो आप आसानी से उसमें समझ जाएंगे कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट हैं। और यदि आप मेरा स्पीकिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 मिनट्स डेली कॉन्वर्सेशन, तो आप इस नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें 90% स्पीकिंग होता है, 10% राइटिंग वर्क होता है, तो यू कैन ईजिली इम्प्रूव योर स्पीकिंग पावर बाई ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल पाएँ और आप अपना अंग्रेजी बोलने का सपना ज़रूर पूरा कर पाएँ। पढ़े पढ़ाएँ देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।